यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस लगातार अपनी सैन्य ताकत में इजाफा कर रहा है। एक तरफ जहां उसे उत्तर कोरिया से मिसाइलों और गोला बारूद की सप्लाई मिल चुकी है, वहीं दूसरी तरफ उसने ईरान से हजारों घातक ड्रोन भी मंगवा लिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन में जंग किसी मुकाम तक नहीं पहुँच पाई है। उल्टा अब ये युद्ध गतिरोध की स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि रूस के राष्ट्रपति अमेरिका और यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले तो रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण संधि से खुद को अलग कर लिया और अब वो अमेरिका को अपनी परमाणु ताकत दिखाने में लग गया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को की परमाणु फोर्स के युद्धाभ्यास का आगाज कर दिया है। रूस जमीन, समुद्र और आसमान में अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में रूसी सेना ने उत्तर पश्चिमी रूस से एक मिसाइल फायर की। ये मिसाइल पूर्वी सुदूर की तरफ दागी गई। वहीं दूसरी तरफ समुद्र से रूसी फौज ने सिनेवा और बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को पनडुब्बी से दागा। इसके अलावा आसमान से रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर प्लेन्स ने क्रूज मिसाइलों को फायर किया। इसराइल को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस परमाणु ड्रिल में सभी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंची हैं। वहीं एक टीवी संबोधन में रूस के रक्षा मंत्री ने पुतिन को बताया कि दुश्मन के परमाणु हमले के जवाब में रणनीतिक आक्रामक बलों द्वारा बड़े पैमाने पर परमाणु हमला करने का अभ्यास करना किया गया। आपको बता दें कि रूस ने ये परमाणु अभ्यास एक बेहद ही नाजुक समय में किया है, क्योंकि पुतिन को ऐसा डर सता रहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों से रूस के भीतर हमले की मंजूरी दे सकते हैं। और यही वजह है कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन ने रूस के भीतर लंबी दूरी के हथियारों से हमला किया तो वो इसका कड़ा जवाब देंगे। इन सब के बीच उत्तर कोरिया के करीब 10,000 सैनिक पश्चिमी रूस के कुर्क्स में पहुंच चुके हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि तक कर दी है। यही वजह है कि अब इस युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि दुनिया में रूस सबसे बड़ा परमाणु शक्ति देश है और रूस और अमेरिका के पास दुनिया के करीब 88% परमाणु हथियार हैं।